200 रुपए के नोट का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। आरबीआई सितंबर के पहले हफ्ते में 200 रुपए के नोट का ऐलान कर सकती है। खबरों के अनुसार 200 रुपए के 50 करोड़ नोट बाजार में लाए जाएंगे। इस वक्त 100 रुपए और 500 रुपए के बीच का कोई नोट अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए आरबीआई का मानना है कि 200 रुपए का नोट काफी उपयोगी होगा और इससे नोटों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। मोदी सरकार काले धन के खिलाफ कई बड़े कदम उठा चुकी है। 200 रुपए का नया नोट लाने के पीछे की वजह भी काले धन पर लगाम लगाना बताई जा रही है। 200 के नोट लाने का उद्देश्य बिना टैक्स दिए कैश रखने वाले लोगों पर शिकंजा कसना है। 200 के नोट के दो फायदे होंगे, एक तो कैश लेन देन में आसानी होगी, दूसरा इससे कुल करेंसी में छोटे नोटों की संख्या बढ़ जाएगी। बता दें कि नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा 2000 का नोट जारी किया गया था। अब इस नोट से जुड़े कई मामले सामने आए हैं, जिनमें नकली नोट मिलने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। खबरों के अनुसार सरकार की कोशिश छोटे नोटों की संख्या बढ़ाकर 2000 के नोटों की संख्या सीमित करना है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।